अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरफिन और आप देख रहे हैं अरफिन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग चैट जीपीटी ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने फोन में वन क्लिक पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले आपने करना है, सिंपली गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इधर आपने सर्च बार पर क्लिक करना है और इधर टाइप करना है ओपन AI। ओपन AI जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ओके के बटन पर आपने प्रेस कर देना है, सिंपली एंटर कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने ओपन AI फर्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, आपने API पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, सिंपली API पर क्लिक कर देते हैं हम API पर। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक कर देना है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने सिंपली इधर जो है ईमेल टाइप करना है अपना और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सिंपली मैं इधर ईमेल टाइप कर लेता हूं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, आपने सिंपली इधर पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली वेरीफाई योर ईमेल, आपके ईमेल पर जो है एक लिंक चलाएगा, उधर जाके आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। सिंपली मैं जो है इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, सिंपली स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं इधर से, तो आप लोग इधर से देख सकते हैं हमारा ईमेल आया हुआ है। इसे क्लिक करके जो है मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, सिंपली लिंक पर क्लिक करूँगा वेरीफाई पर। वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करना है आपने। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने क्रोम ब्राउज़र पर इसे ओपन कर लेना है और आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपने टाइप करना है, फर्स्ट नेम टाइप करना है इधर आपने, फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद आपने लास्ट नेम इधर टाइप करना है। लास्ट नेम टाइप करने के बाद सिंपली ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में भी आपने यही टाइप कर देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इधर आपने जो है अपना नंबर टाइप करना है, जो भी आपका नंबर हो कंट्री कोड के साथ, और वेरीफाई कर लेना है। उसको सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर जो है वो कोड चला जाएगा। मैंने सिंपली जो है व्हाट्सअप सिलेक्ट किया था तो मैं व्हाट्सअप पर आ जाऊंगा, तो आप लोग इधर से देख सकते हैं व्हाट्सअप पर हमारा जो है कन्फर्मेशन कोड आ चुका है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करूंगा इधर से, कॉपी करने के बाद सिंपली इधर पेस्ट करके जो है इसका जो कोड है वो मैं इधर से कॉपी कर लूँगा। ये कोड कॉपी करने के बाद, OPTP कोड कॉपी करने के बाद जो है बाकी हम रेज कर देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इधर सिंपली जो है उधर जाके मैं पुट कर दूँगा और हमारा ये जो इधर देख सकते हैं आप लोग पेस्ट कर दिया है और ये नंबर जो है हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपने जो है हाउ यू प्राइमरी आई एम एक्सप्लोरिंग पर्सनल यूज़ पर क्लिक कर देना है आपने। इसके बाद वेलकम टू AI इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने करना है क्या, सिंपली जो है आपने इधर जो है थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। सिंपली आपने इधर इसके बाद आपने इधर ऐड टू होम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे इसको रेज कर देना है आपने और इधर जो है चैट GPT आपने टाइप कर लेना है। सिंपली आपने टाइप कर देना है चैट GPT। इसके बाद आपने ऐड पर क्लिक कर देना है, सिंपली ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आपने ऐड पर क्लिक करना है तो आपका ये ऐप जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम सिंपली होम का बटन दबाएंगे तो आप लोग को मैं दिखा दूं, तो ये आप लोग इधर से देख सकते हैं चैट GPT जो है हमारा वो ऐप बन चुका है। अब आप सिंपली इसको वन क्लिक पर जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, सिंपली इधर से जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, वन क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं वन क्लिक पर ये हमारा ओपन हो चुका है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने सिंपली थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने जो है इधर क्लिक कर देना है। इधर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इधर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, आपने इधर क्लिक करना है और प्ले ग्राउंड पर इधर आ जाना है आपने। उसके बाद इधर आपने कुछ भी इधर राइट टैग लाइन पर क्लिक करके इधर से कुछ भी आपने टाइप करना है, कोई भी जो भी आप इसे पूछना चाहते हैं या फिर कोई इसे आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं। मैं इधर सिंपली टाइप कर देता हूँ राइट आर्टिकल ऑन ह्यूमन, तो आप लोग इधर से देख सकते हैं सबमिट पर क्लिक कर दिया है मैंने। उसके बाद आप लोग इधर से देख सकते हैं हमारा कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है, वन क्लिक पर चला है और इतने अच्छे से हमारा आर्टिकल इधर राइट होकर भी आ गया है। लोग इधर से देख सकते हैं मैंने इसको आर्टिकल राइट करने के लिए बोला था और हमारा आर्टिकल जो है वो राइट हो चुका है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।